भारत और पाकिस्तान मैच जो कि शनिवार 14 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में साल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया और दोनों एशियाई टीमों से अहमदाबाद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मैच की उम्मीद थी, पर लेकिन भारत ने 192 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 30.3 ओवर में ही 7 विकेट के साथ मैच जीत लिया और वही जीत हासिल कर ली। और बाबर को लेकर अब कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आ ही रही है। कई लोगों का मानना है कि 29 वर्षीय खिलाड़ी बाबर आजम को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। वहीं बाकी लोगों का मानना है कि बाबर ने राष्ट्रीय टीम के कप्तान को के रूप में अपना समय पूरा कर लिया है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने भारत और पाकिस्तान मुकाबले में पाकिस्तान की हार के बाद कहा है कि बाबर को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। शोएब मलिक का मानना है कि बाबर आजम एक बल्लेबाज के रूप में टीम में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि ये टीम के लिए एक चमत्कार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि एशिया कप 2023 में भी पाकिस्तान की टीम सुपर 4 की स्टेज से बाहर हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा कि देखो मैं आपको इस पर अपनी ईमानदारी राय दूंगा, मैं पिछले इंटरव्यू में भी कह चुका हूं कि बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ये सिर्फ मेरी राय है लेकिन इसके पीछे काफी होमवर्क है। एक खिलाड़ी के तौर पर बाबर खुद के साथ साथ टीम के लिए भी चमत्कार साबित हो सकते हैं। शोएब मलिक ने आगे कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम आज भारत के खिलाफ मैच गेम हार गए हैं, हम बड़े अंतर से हार गए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।